हेलो एवरीवन, मैं हूं इमरान अहमद मनोरम ऑटो जागरा से। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इमरान ऑटो टेक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर बजाज गाड़ी के अंदर, चाहे बजाज का कोई सा भी मॉडल हो दोस्तों, कॉम्पैक्ट हो, कार्गो हो, कोई भी मॉडल हो, और बजाज बायोफ्यूल मॉडल की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आपसे, जिसमें पेट्रोल का भी ऑप्शन साथ में आता है, गैस और पेट्रोल दोनों चीज रहती है। अगर दोस्तों उस गाड़ी के अंदर इग्निशन ऑन करने के बाद क्लस्टर मीटर जो कि डैशबोर्ड होता है उसमें MIL की लाइट नहीं आए, तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? अगर दोस्तों इग्निशन ऑन करा हमने और MIL की लाइट नहीं आई, तो दोस्तों ये उस कंडीशन में भी आती है जब मेरी गाड़ी का ECU खराब हो जाता है। तो दोस्तों मेरे पास एक गाड़ी आया है, उसका मैंने पूरा डायग्नोस कर लिया है, और डायग्नोस करने के बाद मुझे मालूम चला कि उस गाड़ी का ECU खराब है। तो दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है, ये इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि अगर हमारा गाड़ी का ECU खराब हो जाता है और डैशबोर्ड में MIL की लाइट नहीं आता है, तो हमें जो ECU बदलना है, रिप्लेस करना है, उसका क्या तरीका होना चाहिए? क्योंकि अक्सर हमारे मैकेनिक भाई जब ECU को निकालते हैं और लगाते हैं, उस कंडीशन में वो जो हमारी ECU की पिन होती है वो उसे डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान होता है, चाहे कस्टमर का हो चाहे किसी का हो। उसमें दोस्तों पूरा वायरिंग चेंज करना पड़ता है, जो कि तकरीबन 8,500-9,000 रुपए का आता है। तो दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है, ये उसी टॉपिक के ऊपर है कि अगर हमारी गाड़ी का ECU खराब हो जाता है तो हमें उसको किस तरीके से बदलना है। डायग्नोस दोस्तों मैं पहले ही कर चुका हूं, जिससे मुझे कंफर्म हो चुका है कि मेरी गाड़ी का ECU खराब है। लेकिन आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये सिर्फ इसी चीज का है कि हमें ECU का बदलने का तरीका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर दोस्तों ऑल को क्लिक कर दें, जिससे कि जो भी मेरा वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आएगा वो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे, और इग्निशन ऑन करने के बाद जैसे कि आप क्लस्टर मीटर में देख पा रहे हैं, MIL की लाइट नहीं आ रहा है। ये देखिए RPM वाली लाइट इसका बराबर जल रहा है, जो कि इग्निशन ऑन होने के बाद लाइट बंद हो जाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम गाड़ी के पीछे जाएंगे इंजन कंपार्टमेंट की तरफ, और यहाँ हमारा ECU लगा रहता है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 स्क्रू होते हैं इस पर, जो सबसे पहले हमें इसका ECU कवर खोलना है। और आज मैं आपको लोगों को इसमें वीडियो में यही बताने वाला हूं कि हमें ECU किस तरीके से रिप्लेस करना है, क्योंकि अक्सर लोग ECU को खोलने बंद करने में वायरिंग को नुकसान पहुंचा देते हैं और वायरिंग ख़राब हो जाता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली आता है। तो आज हम उससे बचेंगे दोस्तों, उसी का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो कोई भी पार्ट को मिस ना करें। सबसे पहले हम जो दोस्तों ECU कवर हमने निकाल लिया इसके बाहर, इसके बाद हमारा ECU का ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है, वो भी 3 स्क्रू की माउंटिंग पर होता है दोस्तों। तो तीनों स्क्रू हम इसके भी खोल लेंगे 1x1, और अपने ECU जो ब्रैकेट है मेरा उसे बाहर की तरफ निकालेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, कोई भी पार्ट मिस ना करें, जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे छूट जाए। और ये वीडियो हमारा दोस्तों बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ये देखिए हमने तीनों ब्रैकेट के स्क्रू खोल के ब्रैकेट को बाहर निकाल लिया। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं, ये मेरा हार्नेस के अंदर ये जो मेरा कार्ड है, इसे ही हम ECU बोलते हैं, इंजन कंट्रोल यूनिट ECU का फुल फॉर्म होता है। ये दोस्तों ब्लैक कलर में हमारा कवर है। ये देखिए सबसे पहले लॉक होते हैं इसमें 2, तो दोनों लॉकों को हमने नीचे की तरफ करके, और फिर इस का जो हमारा ब्रैकेट है जिसमें ECU फंसा हुआ है, उसे हम ऊपर की तरफ पुल करेंगे, ऊपर की तरफ खोलेंगे। ये पूरा ऊपर पुल किया हमने, और उसके बाद हम ECU को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये अंदर आप देख पा रहे होंगे मेरा 44 पिन होता है इसके अंदर, इसीलिए इसका नाम दोस्तों EPM44 होता है मॉडल का। ये हमारा पार्ट नंबर है ECU के ऊपर AF111082, जो मेरा कॉम्पैक्ट CNG गाड़ी का ECU है। तो दोस्तों उसमें हम यही देखेंगे कि हमें ECU को किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से निकालना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, मेरे ECU के ऊपर टॉप लिखा रहता है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में टॉप लिखा हुआ था ऊपर की तरफ ये, और मेरा जिसमें सामने जो मेरा EPM44 जो पिन है मेरी इसके अंदर 44, इसके सामने कवर के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर भी दोस्तों आपको टॉप मिलेगा। ये देखिए ECU के अंदर टॉप आ गया मेरा, और ये सामने कवर के ऊपर मेरा टॉप आ गया। तो मेरे को टॉप वाला दोनों मैच करना है। इस तरीके से अगर मैं लगाऊंगा तो मेरा ECU सीधा है, और अगर मैं इसे पलट कर लगाता हूँ तो मेरा ECU क्या होगा, मेरी जो हार्नेस की पिन है उन्हें ख़राब कर देगा।
तो दोस्तों ये हमारा एसी फिट हो गया, और उसके बाद हम दोबारा से इग्निशन को ऑन करके देखते हैं। ये देखिए इग्निशन ऑन किया, MIL की लाइट आ गया ये वाला, और मेरा RPM वाला जो लाइट था वो देखिए आप नीचे की तरफ बंद हो चुका है। तो दोस्तों समझ में आया आपके मेरा ECU रिप्लेस करने का जो प्रोसेस था, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और वापस से दोस्तों हम इसे जैसे हमने कवर वगैरह खोले थे इसके, वापस से हम तीनों सबसे पहले ब्रैकेट जो ECU का था तीनों पेच स्क्रू उसके लगा देंगे और उसे फुल्ली टाइट कर देंगे। ECU ब्रैकेट कसने के बाद दोस्तों जो हमारा ECU का कवर है जो कि तीन स्क्रू पर माउंटिंग था, वो भी उन तीनों स्क्रू को वापस से हम वन बाई वन उन्हें भी टाइट कर देंगे। ये सबसे पहले मैंने ECU का ब्रैकेट लगाया और स्क्रू ड्राइवर की मदद से तीनों पेचों को दोस्तों हम टाइट कर देंगे। आज का वीडियो दोस्तों बहुत छोटा था, लेकिन मैं इसीलिए लेकर आया क्योंकि ज़्यादातर हमारे टेक्नीशियन भाई इसको निकालने में थोड़ा फंस जाते हैं, उन्हें निकालने का प्रोसेस में, और अक्सर वायरिंग को नुकसान पहुंचा देते हैं, जिससे कि ग्राहक का काफ़ी लंबा खर्चा आता है, क्योंकि वायरिंग तकरीबन इसका 8-9 हज़ार रुपये का आता है दोस्तों, और ECU भी डैमेज हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को क्लिक कर दें, जिससे अगला ये सही यूज़फुल वीडियो मैं लेकर आपके लिए आता रहूं। तो दोस्तों जब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।